बेगूसराय में होली का दिन मनहूस भरा दिन साबित हुआ और इस दौरान सोमवार को सड़क दुर्घटना में कई घर बर्बाद हो गया। दुर्घटनाओं की कड़ी में जहां एक राजद नेता की मौके पर मौत हो गई, वहीं मृत नेता की पत्नी के घायल होने की बात बताई जा रही है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है। मृतक की पहचान रामपुर निवासी सर राजद नेता महादेव साह के रूप में की गई। जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने बताया कि बीते सोमवार की शाम वह अपने पत्नी के साथ सड़क किनारे कुर्सी पर बैठे थे, तभी अज्ञात बोलेरो ने दोनों पति पत्नी को अपने चपेट में ले लिया, जिस दौरान राजद नेता की मौके पर मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह खबर फैलते ही जिला राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से सनसनी फैल गई और अपने वरिष्ठ नेता की अंतिम दर्शन के लिए भीड़ जमा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मटिहानी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया तथा आगे की कार्यवाही में जुट गई। देखिए, महादेव साहब जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। सड़क दुर्घटना में कल संध्या लगभग 7 बजे मृत्यु हो गई। ये पति पत्नी सड़क के किनारे बैठे हुए थे और अज्ञात एक बेलोरो टाटा जो वाहन होती है वो आई और धक्का मार दिया, जिससे महादेव जी का मृत्यु गाँव में ही हो गया। पत्नी परमिला देवी इलाजरत हैं, वो भी घायल है, पति पत्नी दोनों। इनके मृत्यु से हम राजद परिवार मर्माहत हैं। राजद परिवार ने बहुत बड़ा एक बहुत कर्तव्यप्रायण और सच्चे साथी को खोए हैं। हम पूरे मटिहानी प्रखंड के राजद कार्यकर्ता मर्माहत हैं और पार्टी की क्षति हुई है। मैं अपने जिला पार्टी राजद की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, महादेव बाबू की आत्मा की शांति हो, उनके परिवार को धैर्य दें ईश्वर, और हम राजद परिवार उनके साथ हैं। ड्राइवर का प्रशासन आए हैं, प्रशासन की सूचना विलम्ब से यहाँ के स्थानीय उनके पुत्र यहाँ नहीं था, महिला सब रोने में, बच्ची सब रोने में रह गई। सूचना के अभाव में प्रशासन विलम्ब से आए हैं, लेकिन सूचना उपरांत प्रशासन पहुंच गई है, प्रशासन अपना काम कर रही है। और खास करके मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, माननीय महादेव बाबू की मृत्यु उपरांत इन्हें सहायता राशि में कम से कम 10 लाख रुपया मिला। मेरा नाम मोहित यादव हुआ, राजद जिला अध्यक्ष।